थे, फुल होते थे, आज के जमाने में बिल्कुल खाली है, ऐसा क्या इस पर क्या कहना चाहते हैं? सिनेमा सिनेमा है, टीवी आए, ओटीटी आए, वेब सीरीज आए, सिनेमा जो है एक पहाड़ की तरह है। उस पहाड़ पे बर्फ भी जमती है, हरियाली भी आती है, पतझड़ भी आते हैं, बर्फ भी चली जाती है, हरियाली भी चली जाती है, पतझड़ भी चला जाता है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह कायम रहता है। पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो सिनेमा जो है वो पहाड़ है, वो अपनी जगह कायम रहेगा। हाँ, काफ़ी आ रही हैं नई फिल्में। देखिए, ऐसा है कि आजकल बायोपिक्स काफ़ी बन रही हैं। एक बायोपिक बनी है, गुजरात में एक एनकाउंटर हुआ था, इशरत जहां एनकाउंटर, तो उस पर बनी है, उसका नाम है द रियल एनकाउंटर। दूसरी बायोपिक मैंने की है, उसका नाम है रमाई, भीमराव अंबेडकर की पत्नी का कितना बड़ा योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में। भीमराव अंबेडकर जी पर तो बहुत ही फिल्में बनी हैं, उनकी पत्नी पे कोई फिल्म नहीं बनी है, और ये फिल्म जो है ये उनकी पत्नी पे है कि क्या क्या उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर बने। ये कहा जाता है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है, तो उनके पीछे उनकी पत्नी। समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? जी, समाज के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि बरेली जो है वो राष्ट्रीय सद्भावना की जिंदा मिसाल है। देश में कभी कुछ भी हो जाए, यहाँ हमेशा शांति रहती है, और बस इस शांति को बनाए रखें। हर किस्म के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, एक फूल से जो है चमन बनता नहीं है। हमारा देश जो है वो चमन है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुमको तो क्या तुम, ये सबका चमन है। ओके, थैंक यू सो मच मीडिया।